आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार DLED एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए सामान्य अध्ययन से रिलेटेड जो है बिहार के नए मंत्रिमंडल गठन के जो महत्वपूर्ण मंत्रियों के नाम हैं, किसको क्या विभाग मिला, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं एक एक कर, क्योंकि आपको पता है कि बिहार DLED एंट्रेंस एग्जाम में जो है बिहार से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कुछ आपके करंट अफेयर हो सकते हैं, एक दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। इसलिए जो है एक बार मंत्रिमंडल जो नया विस्तार हुआ है, आप सभी लोगों को पता है कि बिहार में जो है सत्ता में मतलब बदलाव आया है। पहले जो नीतीश सरकार थी वो जो BJP के साथ मिलकर काम करती थी, अब जो है वो नई सरकार गठन की है, गठबंधन की सरकार में आई है, जिसमें नई मंत्रिमंडल का जो है गठन हुआ है। किनको क्या मिला है, कौन सा पद मिला है, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम भी नज़दीक है और ये तत्काल में बदलाव हुआ है, तो एक दो प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सर्वप्रथम यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार। इनके अंतर्गत जो है इनके पास क्या क्या विभाग मिला है देख ले, सामान्य प्रशासन व्यवहार, दूसरा है गृह विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, फिर आपका जो है निर्वाचन, फिर आपका जो है ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं है, पांच इनको विभाग मिला है। सामान्य प्रशासन, गृह मंत्रालय जो भी मतलब बिहार का है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और मुख्यमंत्री तो है ही। सेकेंड आपका जो है उप मुख्यमंत्री, पहले दूसरे दो लोग थे, अब जो है केवल उप मुख्यमंत्री जो हो गए हैं श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जो RJD के अध्यक्ष हैं, यह मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने हैं। इनके अंतर्गत जो क्या क्या आया है, स्वास्थ्य मंत्रालय, पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास और ग्रामीण कार्य, ये चार इनको चीज़ें मिली है। अगला आपका है थर्ड नंबर श्री विजय कुमार चौधरी, इनके अंतर्गत आया है वित्त मंत्री मतलब बिहार के जो होते हैं, वाणिज्य कर और संसदीय कार्य, ये तीन इनको विभाग दिया गया है, याद रखिएगा, एक बार देख ले, दिमाग में रहेगा, उसमें ऑप्शन में रहेगा, आप टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं तो देखिए आगे जो है आपका चार नंबर यहाँ पर है कि श्री विजेंद्र प्रसाद यादव को जो है क्या मिला है, तो ऊर्जा मंत्रालय, फिर आपका जो है योजना एवं विभाग, यह जो है मिला है। फिर आपका पाँच नंबर है श्री आलोक कुमार मेहता, इनको मिला हुआ है राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय, याद रखिएगा। अगला है श्री तेज प्रताप यादव, इनको मिला है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन। अगला आपका है सेवन नंबर मोहम्मद आफाफ आलम, इनको मिला है पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्रालय मिला है। नेक्स्ट है श्री अशोक चौधरी, इनको मिला है भवन निर्माण मंत्रालय। अगला नाइन नंबर है श्री श्रवण कुमार, इनको मिला है ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला है आपका दस नंबर श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव, इनको मिला है सहकारिता मंत्रालय। अगला आपका है डॉक्टर रामानंद यादव, इनको मिला है खान एवं भूतत्व मंत्रालय। अगला आपका है 12 नंबर श्रीमती लेसी सिंह, इनको मिला है खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मतलब विभाग मिला है मंत्रालय। अगला है आपका श्री मदन सहनी, इनको मिला है समाज कल्याण मंत्रालय। अगला आपका 14 नंबर है श्री कुमार सर्वजीत, इनको मिला है पर्यटन मंत्रालय। अगला आपका है श्री ललित कुमार यादव, इनको मिला है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्रालय। अगला आपका 16 नंबर है श्री संतोष कुमार सुमन, इनको मिला है अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्रालय। अगला आपका 17 नंबर है श्री संजय कुमार झा, इनको मिला है जल संसाधन सूचना एवं जनसंपर्क, तो इनका दो मंत्रालय मिला है, जल संसाधन सूचना एवं जनसंपर्क मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका जो है यहाँ पर 18 नंबर है श्रीमती शीला कुमारी, इनको मिला है परिवहन मंत्रालय। फिर आपका जो है श्री समीर कुमार महासेठ, इनको मिला है उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट आपका है श्री चंद्रशेखर, इनको शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट आपका है श्री सुमित कुमार सिंह, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला आपका 22 नंबर है श्री सुनील कुमार, इनको मिला है मद्य निषेध उत्पादन एवं निबंधन। अगला आपका है श्रीमती अनिता देवी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय। ये जो है नया मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है बिहार सरकार में, यह तत्काल आज ही हुआ है, तो आज ही का ये करंट अफेयर है, एक बार जरूर देख लेंगे एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि एग्जाम में जो है यहाँ से एक या प्रश्न आपको मिलेगा, एक प्रश्न आपको यहाँ से पूछ लेगा, करंट से GK तो होना ही है, एक तो पूछ ही लेगा। 24 नंबर है श्री जितेंद्र कुमार राय, इनको मिला है कला संस्कृति एवं युवा मंत्रालय। नेक्स्ट आपका है श्री जयंत राज, लघु जल संसाधन मंत्रालय। नेक्स्ट आपका है
श्री सुधारक सिंह कृषि मंत्रालय। नेक्स्ट आपका है श्री मोहम्मद जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट आपका है श्री मुरारी प्रसाद गौतम पंचायती राज मंत्रालय। नेक्स्ट आपका है श्री कार्तिक कुमार, इनको मिला है विधि मंत्रालय। नेक्स्ट आपका है श्री शमी अहमद गन्ना उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट है श्री शाहनवाज, इनको मिला है आपदा प्रबंधन मंत्रालय। नेक्स्ट आपका है श्री सुरेंद्र राम, इनको मिला है श्रम संसाधन मंत्रालय। नेक्स्ट आपका और लास्ट है श्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी, इनको मिला है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो यह जो है 35 जो आप देख रहे हैं 33 मतलब 33 लोगों का जो है मंत्रालय मिला है तत्काल में, आज ही मिला है बिहार सरकार में, क्योंकि बिहार सरकार जो है आज पूरा मतलब फिर से आज निर्माण हुआ है और बना है। तो ये नया मंत्री का नाम था, याद रख लीजिएगा, यहाँ से एक नंबर पूछा जा सकता है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।